लेकिन आपका वायदा था आपने 2022 तक
क्यों नहीं हो पाए? और ऐसा क्यों है कि काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय जो किसान संगठनों के साथ जो समझौता लगा हुआ था वो अभी तक लागू क्यों नहीं किया? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? ये हमारा एग्रीकल्चर फार्मर्स यानी कि किसानों से संबंधित किए हमारा प्रश्न है सरकार को। इसमें भी बहुत से प्रश्न और ऐसा है क्यों हमारे सभी लोग टैक्स मिलता कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजों पे, लेकिन आपने जीएसटी कृषि उपकरण का 12%, ट्रैक्टर के टायर अन्य खोजों का 18%, कीटनाशकों पे 18%, आपने क्यों पे टैक्स लगा दिया? क्यों कृषि सब्सिडी में आपने रिकॉर्ड कटौती करी? क्यों आपने केंद्रीय बजट में कृषि के लिए आवंटित होने बजट में रिकॉर्ड कटौती करी? क्यों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अप्रया फसल बीमा किसानों को मिल रहा है? किसान आठ हजार करोड़ में आपकी सरकार पूर्ण नाकाम क्यों साबित हुई है? बहुत से प्रश्न, लेकिन हमारा मुख्य प्रश्न जैसे मैंने कहा कि भाई आपने आमदनी वृद्धि का वायदा किया था लेकिन खर्चा दुगना हो गया, किसान पे कर्जा लगता हो गया, आमदनी वही की वही किसान की है। आज कृषि संकट देश में है, तीन कृषि कानूनों को वापस लेते समय जो समझौता हुआ किसान संगठनों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को गारंटी किसान को दिलवाने का, आज तक उस समझौते पर जो एक कमेटी बनी उस कमेटी की आज तक बैठक थी, तो आप किसान के लिए प्रश्नों का जवाब। तीसरा हमारा प्रश्न, फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दाव पर लगा दिया गया। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इसको जवाब क्यों नहीं देते और इस बात पर क्यों नहीं जवाब देते कि अदानी समूह में की पर्ची कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए इसका निर्णय करा चुका है, इसके देश के सामने बताए इसके कितने रुपए में पेश किया? ये वसंत राहुल जी ने देश की संसद में भी अपने आखिरी व्यक्तित्व में आपका आखिरी व्यक्तित्व में जब पूरक पास उसके बाद मेंबरशिप का फैसला है आपने देखा जिस तेजी से उनकी मेंबरशिप रद्द की गई उस फैसले के बाद वो भी देश ने देखा। ये प्रश्न उठाए थे भ्रष्टाचार पर उम्मीदवार ने प्रश्न उठाए थे कि सरकार के पास उन प्रश्नों को जवाब नहीं, जवाबी कार्रवाई जरूर की गई राहुल जी लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए हमारा तीसरा प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए। चौथा प्रश्न, चीन और राष्ट्र सुरक्षा को लेकर ऐसा क्यों है कि चीन की सीमाओं पर लगातार गतिविधियों के बावजूद चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उनको क्लीन चिट दे दी चीन को, जबकि आज भी चीन हमारे देश की जमीन से पकड़ कर बैठा है, ये हमारे देश की फौज भी और फौज के हमारे आला अफसर भी इस बात को ना सिर्फ कह चुके हैं मगर वो इस बात का भी संकल्प दे चुके हैं कि उनका हृदय का मुद्दा छुपाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2020 में क्लीन चिट दी 30,000 में थी और उसके बाद से चीन को लेकर ये सरकार छुपी चीन के मामले में की सरकार ने छुपी क्यों शादी हुई है? ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न, चौथे प्रश्न में भी हमारे कई अंतर असंख्य राष्ट्र सुरक्षा को लेकर असंख्य ऐसे प्रश्न जो हम आपके बीच में रख सकते हैं। चीन पर बीजेपी की चुप्पी की बात नहीं हो,
पुलवामा हमले में सरकार की पूर्ण रूप से नाकामी रही हो, विफलता रही हो, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव इस सरकार की रणनीति में, जो नीति में देखने की, चाहे भारत हो, भारत हो, चाहे जनता हो या पूर्वोत्तर हो, हम उपाय में सवाल पूछ सकते हैं, चाहे अपर्याप्त रक्षा बजट हो और चाहे अग्निपथ योजना की बात हो, प्रश्न बहुत है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर। लेकिन हम जो मुख्य रूप से पूछ रहे हैं वो चीन से और चीन के बॉर्डर से संबंधित। पांचवा हमारा प्रश्न, सामाजिक सद्भाव ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारी की राजनीति को हवा दी जा रही है देश के कोने कोने में और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जानबूझकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार 9 साल से हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि हिंसा के लोगों को उकसाया जा रहा है, ऐसा वातावरण देश में बन रहा है और चुनावी लाभ के लिए भारत के राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री जी कभी शांति की अपील नहीं करते। ये नए किस्म के प्रधानमंत्री जी बाकी हर बार तो बोलते हैं, मगर कभी देश में कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो तो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में शांति की अपील नहीं करी, ऐसा क्यों? ये प्रश्न हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा अगला छठा सवाल, पांच सवाल में छठा सवाल हमारा, सामाजिक न्याय ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC ST OBC और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? वे जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? वो हमारे देश की महिलाओं के मान सम्मान और इज्जत की जहां बात आती है, उनको उनकी न्याय की गुहार को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जो आज हम देख रहे हैं इसका अभी जो गलत उदाहरण है, हमारे देश की खिलाड़ी बेटियां 7 साल जैसी बेटी है जिसमें बेटी की शादी है, जो लगातार पिछले कई महीनों से सरकार के हर दरवाजे पे बेटियां गई और सरकार से न्याय की मांग की बेटियां चढ़ गई, मगर सरकार ने उनके हर गुहार को अनसुना किया है और एक ओर तो लोकतंत्र से मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था और दूसरी ओर हमारे देश की बेटियों को जो न्याय की गुहार कर रही थी उसको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, रोका जा रहा था और प्रधानमंत्री की तरफ से ना कोई बात आई ना अपील आई ना उनसे बात किया गया कि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो बेटियों के साथ मुझे खड़े लेके आते थे ना तस्वीर खिंचवाने में और इन सभी खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडलों के श्रेय लेने के लिए सबसे पहले इनके साथ बातचीत करते हुए वीडियो आते थे, उनकी तस्वीरें आती थी। लेकिन आज 4 महीने के बाद और इस तरह के हमारी बेटियों के तिरस्कार के बावजूद प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है ये देश जानना चाहता है। ये वो देश है जहां एक नारी के अपमान के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा कुरुक्षेत्र बनाया, वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, ये देश नारी का अपमान नहीं सहता और ये देश प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछना चाहता है। तो हमारे लिए सवाल, ये हमारा छोटा सवाल सामाजिक न्याय, इसके साथ साथ हमारा सातवां सवाल लोकतांत्रिक
संस्थाओं को लेकर। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है पूरे देश में? क्या जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को भाजपा ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से खुले रूप में गिराने के बार बार प्रयास नहीं किए, जिनका मतलब लोगों ने अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देके किया? क्या पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया गया? क्या धनबल से चुनी हुई सरकारों को, क्या जनता के जनमत से चुनी हुई सरकारों को धनबल के का प्रयोग करके अस्थिर करना क्या यही राजधर्म है? क्या जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करके देश के प्रत्येक विपक्षी दल के नेता की आवाज को दबाने के और कुचलने के प्रयास करना क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या देशद्रोह के कानून का लगातार इस देश में दुरुपयोग करना क्या ये प्रजातंत्र की नैतिकता है? क्या संसद को ढंग से ना चलाने देना, संसद में मैं एक और बात में आपको कह सकता हूं, मैं स्वयं देश की सबसे बड़ी पंचायत का पिछले लगभग 20 वर्षों से सदस्य हूं, संसद का सदस्य हूं। हर तरह का हमने वहां सदन में वातावरण देखा है 20 वर्षों में, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब राहुल जी की मेंबरशिप को निज रूप से निरस्त किया गया, जब सूरत कोर्ट के अंदर जजमेंट आए और रातों रात उनका स्पीकर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करी, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक पहुंचने जा रही थी, लेकिन बुलेट ट्रेन सूरत से दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद सत्ता दल के सांसदों में ही संसद में चले गई। हमने 20 साल के नए अनुभव में और उससे पहले भी ये पहली बार ऐसा हुआ है विपक्ष तो कई बार किसी न किसी बात को लेकर सदन की कार्रवाई के समय जनता की आवाज उठाने के लिए वेल में आती है या सरकार से या सभापति से आग्रह करता है विपक्ष कि इस विषय पे चर्चा हो जाएगा कई बार, लेकिन संसद सत्ता के सांसद ही ना करते थे, ऐसा हमने पहली बार देखा। तो ये क्या संसद जो आप एक जो संवैधानिक हमारी संस्था है उसकी कार्यशैली को कार्यप्रणाली को आप तार-तार नहीं कर रहे? ये सारे सवाल हमें हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने के सरकार के कुप्रयासों को लेकर हमारा आठवां सवाल जन जन कल्याण योजनाएं। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करते करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया इस देश में? गरीब आदिवासी लोगों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? मनरेगा के बजट को जिस रूप से सरकार ने कम किया है उससे लगभग 15 लाख करोड़ परिवार देश में प्रभावित हो रहे हैं। एलपीजी की अब तक की उच्चतम कीमतों के कारण उज्ज्वला योजना का लाभ बेहद सीमित हो गया है, सब जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल विज्ञापन तक सीमित हो गया है। निर्भया फंड में पड़ा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, भाजपा नहीं देना चाह रही है लगातार, लेकिन उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन भाजपा का कोई पदाधिकारी कोई सांसद कोई मंत्री अगर किसी बेटी द्वारा किसी ऐसे पदाधिकारी पर किसी सांसद मंत्री पर कोई गलत धर्मकर के आरोप लगते हैं तो हमारी सरकार उसके बचाव में भाजपा उसके बचाव में आ जाती है, कार्रवाई होती नहीं। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा केवल बेटी बचाओ
और बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों से बचाओ का नारा उठते रहेगा। ये सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारा मुख्य प्रश्न जो इसमें है वो आपको इसी रूप से बुजुर्गों विधवाओं विकलांग लोगों को पर्याप्त पेंशन की बात करें तो दलित आदिवासियों को किसी अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति जो बंद हो गई है उसकी बात रही है, और चाहे स्वच्छ भारत अभियान की सफलताओं को जिस रूप से बढ़ा चढ़ाकर एक और पेश किया गया, लेकिन वास्तविकता को पूर्ण रूप से ढक दिया गया चाहे वो बाहर हो। और हमारा आखिरी प्रश्न, अभी नौ साल सवाल तो असंग है लेकिन आप असंग सवाल लिखते हुए आपको आपकी हमने शॉर्टकट लेते हुए नौ साल केवल नौ सवाल, इसलिए हम नौवे सवाल पर आज हमने सवाल ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना किया गया। बार बार कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल जी द्वारा मांग के करने के बाद क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उनके हाल पर उनको छोड़ दिया गया। असंख्य लोगों ने असंख्य पीड़ाओं का सामना किया। मोदी सरकार के सब जानते हैं कोविड से गंभीर खतरों को लेकर लंबी चेतावनी को पूर्ण रूप से पहले नजरअंदाज किया, फिर 4 घंटे के नोटिस के साथ लॉकडाउन करके जो गरीब कामगार श्रमिक करोड़ों की संख्या में जो हमारे देश को आगे लेने जाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसी असंवेदनशील सरकार आज देश में है जिसका आप देख रहे हैं। तो ये हमारे नौ सवाल थे, इनको लेकर कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे देश अध्यक्ष जी भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं। आज एआईसीसी की तरफ से हमारे देश में हमारे राष्ट्रीय महासचिव और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य आदरणीय भाई को करते हुए हमारे सीएलपी लीडर बहन मोहाली प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय सदगी साहब प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री गोपाल दुबे जी पूर्व मंत्री हमारे डॉक्टर मसूद जी शिव पांडे जी अनिल यादव जी और सब मीडिया और मीडिया को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी और मीडिया का काम देने वाले भाई अशोक सिंह जी, अभी हाल ही में आपके बीच में हमारे महासचिव हुड्डा जी ने जो बातें रखी है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में उसके 9 साल पूरे हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे हैं और कांग्रेस के 9 सवाल आदरणीय सांसद जी ने जो आपके बीच में देश किए हैं रखे हैं। हमें लगता है कि हमारे मीडिया वालों को जो चौथा स्तंभ है इनकी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि भारत सरकार के 9 साल में क्या क्या हुआ है, जो अभी 9 सवालों का हमने जिक्र किया है हमारे सांसद जी ने बताया तो असंख्य प्रश्न है लेकिन समय नहीं है, 9 सवाल का ही ये सरकार आपके माध्यम से अगर जवाब दे देती है तो हम समझते हैं कि ये देश की जनता की कुछ महसूस करेगी। वैसे तो मन की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता के मन की बात तो कभी
सुना है न जनता के लिए कुछ बोला। इस मौके पर मैं आप सबका सहयोग चाहते हैं और आदरणीय सांसद जी उदय जी का मैं अपनी ओर से काफी सरकार की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यहां करके भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार का जो विश्लेषण किया है और कांग्रेस की तरफ से जो 9 प्रश्न आपके बीच में छोड़े हैं इन पर चर्चा हो, क्योंकि 80 साल के अंदर में इस सरकार को बनाने और बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी हो। अगर हकीकत में ये सरकार ने देश के हित में काम किया होता तो 9 सवालों के साथ साथ असम में जो सवाल खड़े हुए हैं देश के बीच में वो खड़े नहीं हुए होते। बहुत जरूरी है इन मुद्दों पर चर्चा करना कराना, क्योंकि ये देश का सवाल है। मैं और कुछ ना कहते हुए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने हमारे सांसद जी के महासचिव जी को सहयोग करके आपके 9 सवालों को देश करने का जिम्मा जो आपके ऊपर आया है उसे करने की कृपा करें। धन्यवाद।